सही में गजब है। मेल एलिफेंट है ये, तो आप सबको पता है। इन दोनों में से मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं एक प्लांटेड टैंक बनाऊं या फिर मैं एक मॉन्स्टर टैंक बनाऊं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट प्रतीक पंगाल, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। आप लोग देख सकते हो भाई, मैं जू में हूँ, ये अपने नेशनल जू में। और इस वीडियो में मैं ना ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाता, इसकी तो वीडियो जू की तो बहुत ज़्यादा होगी आपके पास दिल्ली जू की यूट्यूब पे। कोई चीज़ रेयर मुझे लगेगी ना, मैं वो आपको दिखाऊंगा। ये देखो, ये रहा लोयन टेल मकैक है ये, और ये चंडीगढ़ जू में भी थे पर एक ही था, उसकी डेथ होगी। पर यहाँ पे अच्छी कॉलोनी है इनकी, और वहाँ पे देखो दो बोरे पीछे एक ये रहा, और दो तीन पीछे भी है भाई। ये देखो राइनो, पर मैंने पहली बार देखा है, और जिस जिसने देखे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। ये देखो दोस्तों, इजिप्शियन वल्चर, ये एक्सटिंक्ट मतलब होने वाले हैं ये। ये देखो इजिप्शियन, ये बहुत कम हो गया यार, बहुत ज्यादा। तो आपको अफ्रीकन एलिफेंट दिखाता हूँ, मैं भाग के जाना पड़ रहा है मुझे। और इस वाले के लिए ना ये चीजें भी मतलब वहां पे नहीं जा सकते हम, और इतना ज्यादा मेजेस्टिक है ना यार ये, क्योंकि मैं देख के मैंने पहले पढ़ा नहीं था कौन सा एलिफेंट है। मैंने जो एशियाटिक है, एशियाटिक छोटे होते हैं, बट ये अफ्रीकन एलिफेंट है। आप देख सकते हो कितना मेजेस्टिक है। ये देखो भाई, मेल एलिफेंट है ये, तो आप सबको पता ही चल गया होगा। ये देखो भाई, ये देखो, ये इंडियन एलिफेंट है। अब ये आप लोगों के ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि बताना अफ्रीकन बड़ा था या इंडियन बड़ा था। वैसे जो होता है एक रूल, उसमें भाई अफ्रीकन एलिफेंट बड़े होते हैं और एशियाटिक छोटे होते हैं। और इनका एक और डिफरेंस पता है, एशियाटिक के जो कान होते हैं ना वो छोटे साइज के होते हैं, और अफ्रीकन के बड़े साइज के होते हैं, वो तो हमने देख ही लिया होगा। सो ये वाला टाइगर है भाई, वो जिसने उस बंदे को मार दिया था। ये देखो भाई लियोपार्ड, ये हाल है भाई इधर की वॉकिंग एवियरी का। मैं तो ये सोच गए थे बहुत अच्छी जगह होगी, पर मुझे दिल्ली जू से अच्छा चंडीगढ़ जू लगा है भाई। आप लोगों जरूर बताना आपको कौन सा अच्छा लगा। मेरे को तो 101% दिल्ली जू ही लगा। ये है भाई इनकी वॉकिंग एवियरी जो कि बंद है, और इनके कैसे बकवास सा बनाया हुआ है सिस्टम इन्होंने, क्योंकि तो गंदा पानी है। चंडीगढ़ वाली एवियरी वे मच बेटर है। किसी ने नहीं देखा हुआ हो अगर आपने चंडीगढ़ एवियरी वाला, तो वो जरूर देखना, मैंने व्लॉग बनाया हुआ है उसकी एवियरी और इसकी एवियरी। उसकी एवियरी के तो सेक्शन ही बहुत अलग अलग है यार, ये तो कुछ भी नहीं है उसके आगे, आप खुद देख सकते हो। इनके तो बेचारों की हालत ही बहुत खराब करी हुई है। ये क्या है एवियरी, कोई एवियरी नहीं है, और इन्होंने बंद भी करी हुई है, और ना कोई इसमें अलग से बर्ड्स वगैरह। वही जो मतलब बेचारे तंग और हो रहे हैं यहाँ पे, सच तो यही है, बिल्कुल भी वर्थ इट नहीं है भाई ये। चंडीगढ़ जू थम्स अप, और ये दिल्ली जू थम्स डाउन। सिर्फ यहाँ पे एक चीज अच्छी लगी मुझे, जो था अफ्रीकन एलिफेंट, सिर्फ वो ही कुछ अलग लगा, और सब तो सेम ही है। बल्कि चंडीगढ़ वाला बहुत अच्छा लगा, यहाँ भीड़ भी हद से ज्यादा भाई, हद से ज्यादा भीड़ है दिल्ली जू में। तभी मैं व्लॉग इतना लंबा नहीं बनाया, क्योंकि मैं मुझे पता है ना कि क्या चीज रेयर है, क्या मतलब कि कॉमन है। ये देखना यार क्या बुरा हाल करा हुआ इसका, क्या है ये, कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों, आपने इससे पहले वाली क्लिप देखी थी जू में, और उसके बाद डायरेक्ट मैं यहाँ पे आ चुका हूँ, और ये जन्नत है भाई, जो लोग मुझे जानते हैं उस हिसाब से। दोस्तों हाँ, मैं दिल्ली में हूँ, और मैंने आप लोगों को प्रीवियस व्लॉग में कहा था कि मैं आप लोगों को सरप्राइज दूंगा, कुछ शॉपिंग करनी है मुझे, तो वो मेरे को मेरे टैंक्स के लिए ही करनी थी, और दूसरा एक और जो हमारी ट्रैवल सीरीज चलने वाली है उसके लिए भी मैंने शॉपिंग करी है, तो वो मैंने घर जाके दिखाऊंगा, बट पहले यहाँ दिखाते हैं। अब मैं यहाँ पे जैसे भैया है, ये भैया मेरे को बताएंगे। अब मेरे दिमाग में दो चीजें हैं, एक तो मॉन्स्टर टैंक बनाना, उसके लिए ऐसी ऐसी मछलियाँ चल सकती हैं, बहुत सारी है। सुंदर सा प्लांटेड टैंक बनाए, और प्लांटेड टैंक जैसे कि वहां पे भी था और यहाँ पे भी है प्लांट्स, तो ये ऑप्शन है। तो इन दोनों में से मुझे फिगर आउट करना पड़ेगा कि मैं एक प्लांटेड टैंक बनाऊं या फिर मैं एक मॉन्स्टर टैंक बनाऊं। मॉन्स्टर टैंक के लिए हमें कोई दिक्कत है नहीं, जो हमारा टैंक है वैसे ही रह जाएगा, उसमें बस फिश डल जाएगी। बट अगर हमें प्लांटेड टैंक बनाना है तो उसके लिए चीजें चेंज करनी पड़ेगी। सो अब मैं जो जो चीजें मैं खुद देखूंगा वो आप लोगों को दिखाता जाऊंगा, और लास्ट में ये सरप्राइज रखूंगा कि मैं लेके क्या जा रहा हूँ, वो नेक्स्ट व्लॉग में देखना, ठीक है। चलो
ये एक ही है दोस्तों, कंफ्यूजन हो रही है बहुत तकड़े वाली। इतने सारे ऑप्शन और इतने अच्छे ऑप्शन हैं इनके पास, बट इनमें से ले सकता हूँ मैं इनमें से, और ये वाली है कॉपर ऑस्कर, बाकी और एक फिश तो मैंने कर लिया फाइनल, वो बिल्कुल अलग ही है चीज़, कुछ अलग ही है वो तो फाइनल हो गया है, बट अभी और देख रहे हैं। ये ऑप्शन भी है अपने पास, मैंने फाइनल कर लिया मॉन्स्टर टैंक ही बनाएंगे हम, जो पहले से है वो भी चल जाएगी उसके अंदर, तो एक तो ऑप्शन कर लिया अपने, और देखते हैं अब आगे। लो भाई दोस्तों, ले ली हैं ये, घर जाके दिखेंगे आपको कि कौन सी लिया है, और पानी इसमें से चल रहा है तो ये ना समझियो कि ये लिया है। कोई एक दो फिश और दिखा देता हूँ यहाँ पे, एरवाना ये देखो भाई। अच्छा भैया ये कौन से वाले एरवाना है? ये हाइब्रिड। और ये सेम है? ये आरटीजी है। आरटीजी? अच्छा इनका प्राइस क्या होगा? 13,500 की है। और ये? और ये 12,500 की है सर्टिफिकेट के साथ। अच्छा ये सर्टिफिकेट के साथ है, माइक्रोचिप भी होगी इसमें। और ये वाली सिल्वर? ये कॉमन वाली है, सिल्वर एरोवाना है, इसी में ब्लैक कलर की वो एरिफामा है। इनका क्या प्राइस है? एरिफामा जो है वो 12,500 का पैर है। और ये सिल्वर? सिल्वर एरोवाना 1500 की है, सिंगल। तो मैं आपको शॉप ओनर से और मिला देता हूँ। कैसे हो भैया? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। हमारी जो फिश एक्वेरियम की शॉप है जो है सरोजनी नगर मार्केट में न्यू दिल्ली में, और हमारे पास आपको लगभग 200 से 300 वैरायटी की एक्सोटिक वैरायटी फिशेस की मिल जाएगी, और आपका सब एक्सेसरीज एक्वेरियम रिलेटेड सब मिल जाएगा। हाँ ये, और ये देखो भैया के साथ में भैया ने बहुत बढ़िया डिस्कस वगैरह रखी हुई है, और पीछे अपना मरीन है और यहाँ पे प्लांटेड है। बाकी आप लोग खुद एक चीज कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन है, और पानी की क्वालिटी मतलब पानी बिल्कुल साफ़ है, और आप सबको पता है कि जहाँ पानी वगैरह साफ़ होगा सफाई होगी तो फिश भी हेल्दी मिलेगी, और मैं खुद यहाँ से ले रहा हूँ तो बस समझ लो। बाकी भैया से अब नए बंदे मिले हैं, मैं भी यूट्यूब वीडियो देख के ही मिला हूँ भैया से, ठीक है? तो आगे आगे भैया होप करते हैं अच्छा रिलेशन बने। लो भाई पैकिंग ऐसे कर रहे हैं प्रॉपर ऑक्सीजन डाल के, और मैंने भैया को कहा था कि थोड़ा लेट जाऊँगा मैं तो इस हिसाब से करना, तो ये इन्होंने करी है। 48 आवर्स तक ये ऐसे रह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपनी पैकिंग हो रही है मछलियों की, और ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखा रहा था कि मतलब ये अपने घर जाके, बट मैंने सोचा ये एक दिन पहले लेट हो गया वो व्लॉग, तो मैं ये अभी एंड कर देता हूँ, और जो नेक्स्ट व्लॉग में आएगा तब मैं ये डालता हुआ दिखा दूँगा आपको, ठीक है? इसी के साथ इस प्यारे से व्लॉग को एंड करते हैं, बाकी आप व्यू देख सकते हो, और वीडियो को लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कमेंट सेक्शन में बताना कि मैंने कौन सी फिश ली होगी, ठीक है? ओके बाय बाय।